दिख रहा है? तो देखिए कि छिबरा माऊ के रास्ते में हम फर्रुखाबाद से चले हैं और छिबरा माऊ के रास्ते में है। देखिए कि बगल में सड़क किनारे जो है, जो पीलापन है, ये कोई पेंट नहीं है, ये कोई पट्टी नहीं है, ये मक्का फैली हुई है। मक्का जो जो आप ये खाते हैं सुबह सुबह दूध के साथ मिला करके, जो कॉर्नफ्लेक्स, वो मक्के से ही बनते हैं अधिकतर। और ये मक्का है पूरी तरीके से रोड पर। देखिए कि एक ऐसा लगता है कि एक लेन बना दी गई हो मक्के की। पहले मुझे लगा कि पता चला भूसा फैला हुआ है, बट फिर बाद में मैंने देखा कि ये मक्का है। और ये जो है लगभग मेरे ख्याल से भी 100-200 किलोमीटर तक चली आए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना है, कितनी दूर तक फैला हुआ है। देखिए कि एक लेन ख़त्म होती है और जहाँ बीच में रोड आई है थोड़ी देर के लिए विश्राम दिया गया था उसे, और पुनः जो है चालू हो गया है मक्के का फैलना। अब कुछ जगह पर आप देखेंगे कि मक्के को समेटा जा रहा है, सो दिन भर में मक्का सूख जाएगा और शायद बेचने की तैयारी होगी। जब आप गांव आते हैं तो इस तरह के जो है अभिरम दृश्य आपको ज़रूर दिखते हैं। अभी इस तरफ फैला हुआ था, लोग समेट रहे हैं, आगे आप देखेंगे दूसरी तरफ फैला रखा है। तो अपनी अपनी कैफियत के हिसाब से लोगों ने यहाँ फैलाया हुआ है। घरों के बाहर भी सड़कों तक देखा हमने कई जगह फैला हुआ, वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। यहाँ पर भी देखिए फैला हुआ मक्का एक तरफ। ये मक्का निकाला जाता है आजकल मशीनों से निकाला जाता है, पहले मक्का जो है निकाला जाता था घर में स्वेटर बनते हुए और तरह तरह के जो है चौपाल लगा के मक्का निकालते थे लोग घर वाले। किंतु अब जो है मामला विलग है, अब सीधे एक मशीन आती है और उसी से मक्का निकाल लिया जाता। देखिए फैलाते हुए मक्के को फैला रहा है ट्रैक्टर यहाँ पर, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बैक डायरेक्शन में था। अब देखिए कि जो है किलोमीटर लंबी लाइन जो है मक्के की है, तो इसको लोग ये भी दोष देंगे कि सड़क पर कब्जा कर लिया, लेकिन सड़क बहुत ज़्यादा तो नहीं चलती है। और यहाँ से जो है आप इस रास्ते से जब जाते हैं फर्रुखाबाद से होते हुए छिबरा माऊ होते हुए, तो सौरी कट पड़ता है आगरा एक्सप्रेस वे पे, नोएडा के लिए वो लिया जाता है। तो अलग अलग किसानों के अलग अलग मक्के फैले हुए, थोड़ा बहुत नुकसान, थोड़ा बहुत सामान और थोड़ी बहुत सुखान। इसी के साथ यहाँ पर जो है करीब आधा किलोमीटर लंबे सफ़र में मक्का ने लोग घेर रखा था और इस समय हम छिबरा माऊ की ओर अग्रसर हैं। लगातार अनवरत रास्ते में मंदिर हैं कई तरह के, लेकिन ये रोड बड़ा शांत है, रोड अच्छा भी बना हुआ है, शांत भी है। आप दूसरा रास्ता ये होता है कि फर्रुखाबाद से जब आप चलते हैं तो आप जाते हैं तालग्राम, तो तालग्राम जाने के लिए लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है और वो जीटी रोड पर है। जीटी रोड सकरी है और उसमें आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वहाँ पर जाने में बहुत समय लगता है। तो हम ये वाला रास्ता चुनते हैं और ये जो तालग्राम कट है और जो सौरिक का कट है उसके बीच में आगरा एक्सप्रेसवे में करीब 11 किलोमीटर का फर्क है नोएडा की दिशा में, सो वो फर्क यहाँ से कवर हो जाता है। उधर जाइएगा आप तो समय बच जाता है और दूसरा जो है ईंधन भी, क्योंकि ईंधन आजकल बहुत कॉस्टली हो रखा है, इसलिए जो है ईंधन की बात करना बहुत ज़रूरी है। खैर यहीं पर विराम देते हैं, आगे दिखाते रहेंगे अगर कुछ और नया मिलेगा नया तारो।